हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो कि सपना देखता है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला जाने की। बहुत बच्चों के डाउट था कि सर क्लास 11th में है हम एंड वी आर एस्पायरिंग फॉर एनडी एग्जामिनेशन, आप मुझे बता दीजिए कि हम किस तरीके से तैयारी स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में मैंने एक चीज को कवर करा है, मैंने हर एक सेक्शन को कवर करा है, मैथ्स को भी, जीएटी को भी, हर चीज को कवर करा है। इस वीडियो को एंड तक देखना, यू विल गेट अ स्ट्रेटेजी, गेट अ प्लानिंग और फिर उसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको गारंटी देता हूं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रिकमेंड हो चुके हैं जिन्होंने 11वीं कक्षा से मेरे मुझसे पढ़ाई करना शुरू कर दी थी अंडर माई गाइडेंस, एंड मुझे ऐसा लगता है अगर आप भी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आप भी वहां तक पहुंच सकते हो। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा, अगर एफर्ट्स मेरे पसंद आ रहे हैं तो जरूर चैनल को लाइक शेयर करा करो, अपने यारों दोस्तों को बताया करो। देखो भाई, आप सबको पता है कि मैं मतलब ओवरऑल दो पेपर में डिवाइड है एनडीए। पेपर वन मैथमेटिक्स जो कि 300 नंबर की आती है, पेपर टू जीएटी जो कि 600 नंबर की आती है, राइट। अब मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है और जीएटी का सिलेबस है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। मैथमेटिक्स के सिलेबस में 11th और 12th क्लास का सिलेबस आता है और जीएटी में 11th 12th का नहीं आता है। तो सबसे पहले तो आपकी अप्रोच इस टाइप से रहनी चाहिए कि जैसे ही आपकी क्लास 11th खत्म हो तब तक आप कोशिश करें कि आपका जीएटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बिकॉज इट हैज नो रिलेशन टुवर्ड्स योर 11th एंड 12th क्लास। साथ ही साथ जो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है, देखो मैथमेटिक्स का सिलेबस अगर आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन उठाओगे और उससे एग्जैक्ट सिलेबस ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको एज इट इज जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स है ना उसकी लिस्ट मिलेगी। मैं आपको कंप्लीट बताऊं कि आपको पढ़ना भी कैसे, आप उस चीज की टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपको कंप्लीट लिस्ट मिलेगी, तो आप देखोगे उसमें कि आपको जो क्लास 11th के जो टॉपिक्स है ना मैथमेटिक्स के, वही एक्चुअली एनडीए का सिलेबस भी है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपने उसको ध्यान से पढ़ा, वो चैप्टर हो गया सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, फिर उसी चीज को आपको अपने यूट्यूब चैनल पे आप जाना प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में मैथ्स का बैच चल रहा है, ऐसे ही इन प्लेलिस्ट में जाके उसी चैप्टर को आप ढूंढ लेना। यानी आपने क्या करा, पहले उसके एनसीईआरटी कर ली आप स्कूल के लिए एकदम ओके हो गए, फिर उसी चैप्टर का एडवांस लेवल कर लिया एनडीए लेवल का, एमएसआर मोहित सर के अलावा कहीं और से कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं है, भरोसा रखो मुझ पे, ये जो चैप्टर कराएंगे जबरदस्त कराएंगे। इन्होंने वन शॉट मैराथन भी ले रखी है, वो भी आप देख सकते हो। मतलब माई पॉइंट इज कि पहले एनसीईआरटी करनी है ताकि आपका स्कूल के लिए सब कुछ ठीक हो जाए, और सिर्फ 11th क्लास का ही फोकस रखना है जब आप क्लास 11th में। आपको क्लास 12th वाले चैप्टर करने की नीड नहीं है मैथमेटिक्स में, आप क्लास 11th खत्म करें। अगर आपने क्लास 11th की मैथमेटिक्स खत्म कर दी है प्लस आपने जीएटी खत्म कर दी है तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका गारंटीड पेपर निकलेगा 101% निकलेगा, एक मतलब 1% की भी कमी नहीं। और जब क्लास 12th आएगी आपको क्लास 12th के चैप्टर्स करने हैं और उसके साथ साथ क्लास 11th पूरी रिवाइज करनी है, मामला ओपी है। आप ध्यान रखना 50-50% अप्रोक्सीमेट परसेंटेज होती है, 50% लगभग 11th क्लास के मैथमेटिक्स से, 50% लगभग क्लास 12th की मैथमेटिक्स से। एनडीए का पेपर होता है 300 नंबर का, कट ऑफ चाहिए होती है 75 नंबर। सिर्फ 11th का पढ़ लोगे तो भी अप्रोक्सीमेटली 140-150 नंबर का आपका कंटेंट तैयार हो जाता है। तो अगर बच्चा चाहे तो सिर्फ 11th क्लास का पढ़ के भी मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर कर सकता है। तो आपके पास जो है ना उसको थोड़ा सा उसको समेटना स्टार्ट करना, ये मत करना कि भाई इतना सिलेबस है सारा ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज सारा आप कर नहीं पाओगे। मैथमेटिक्स में स्पेशली बोल रहा हूं, मोहित्री क्लासेज रेफर करना और अपनी एनसीईआरटी करना। मैथ्स का मामला क्लियर हो गया, नाउ लेट्स कम टू जीएटी। जीएटी के तीन पोर्शन, इंग्लिश, साइंस, जीएस, तीनों के 50-50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। जीएटी खास बात, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, आपको तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करना है। इंग्लिश में सबसे पहले तो स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी समथिंग जो एक दिन में एक महीने में नहीं बनेगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनेगी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, थोड़ा सा टाइम लगता है। वोकैबुलरी के लिए आप किताब एक वर्ड पावर मेड इजी उसको रेफर कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही अनीश सर की क्लासेस चल रही है उनको रेफर कर सकते हो। न्यूज़पेपर आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, न्यूज़पेपर आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, रोज का आधा घंटा निकालो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। और बेसिक ग्रामर रूल, इसके लिए आप किसी किताब रेफर कर सकते हैं या अनिल सर की क्लासेस रेफर कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी चल रही है, और इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा
मेरे हिसाब से क्लास 11th में पढ़ रहा है उसको मतलब बाहर जाके तैयारी नहीं करनी चाहिए, उसको घर पे रहकर एक अपना बेस बनाना चाहिए। उसको जितनी भी फाउंडेशन वाली चीजें चलती हैं मुझे पर्सनली ठीक नहीं लग रही है आज की डेट में, तो बाकी जैसा आपको ठीक लगे। साइंस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आप क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पूरा पढ़ दोगे तब भी आपकी पूरी साइंस तैयार हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर से नहीं आएगा। फिर भी आपको लग रहा है कि यार बुक्स पढ़ने में थोड़ी सी बोरियत होती है, तो कुछ मत करो, आप जाके देखोगे ना साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे पूरी पड़ी हुई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, मैं बता रहा हूं ना, मैं बूस्टर सीरीज भी है, अभिषेक सर ने कंप्लीट साइंस 2 से 3 बार पढ़ा रखी है जिसमें सब कुछ आती है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हर एक चीज को डेप्थ में कवर करा रखा है। अगर आपको लग रहा है किताब से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखना स्टार्ट कर दो, इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा की नीड नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना, एक साथ सारे सब्जेक्ट मत उठाना, एक एक करके सब्जेक्ट उठाना। सेम गोल्स फॉर जीएस, जीएस में इतने सारे सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ करने की कोशिश कतई ना करें, सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाए। सपोज करो आपने उठाया ज्योग्राफी, पहले ज्योग्राफी को एक सिरे से कंप्लीट करें, ज्योग्राफी खत्म उसको साइड में रख दे, देन गोल्स फॉर हिस्ट्री, देन गोल्स फॉर पॉलिटी, आपको करने सारे। अगर आप 11th क्लास से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो कोई भी ऐसा चैप्टर ना छूट जाए जो आपने एक बार गो थ्रू ना करा हो। कुछ नहीं करना, कोई एक सब्जेक्ट सबसे पहले चूज करो। सपोज करो आपने ज्योग्राफी चूज कर लिया, लर्न विद सुमित पे जाओ, आप देखो कि क्या यहाँ पे ज्योग्राफी चल रही है, तो आप पाओगे कि हाँ ज्योग्राफी चल रही है, इससे पहले मैंने पढ़ा रखी है, नॉट नेसेसरली अभी, पहले पढ़ा रखी है, देखो चल रही है, क्लास को देखना स्टार्ट करो, बात खत्म होगी। सच में ऐसा ही है, इतना ही बेसिक है, इतना ही इजी है, बिना टेंशन लिए आपको अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। मतलब ये मत सोचना कि एक साथ सारा सिलेबस करेंगे, धीरे 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 करना है। मैथमेटिक्स में सिर्फ क्लास 11th पे फोकस करना है और जीएटी में हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। सारे सब्जेक्ट से मेरा मतलब है इंग्लिश को, साइंस को, जीएस को थोड़ा थोड़ा ही टाइम देना है, ज्यादा टाइम देकर अपने आपको परेशान करने की नीड नहीं है। जो स्कूल में चल रहा है वो भी आपको मैनेज करना है। 11th क्लास के बच्चे के लिए स्ट्रगल थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि होता क्या है ना कि स्कूल का प्रेशर है, एकदम से 10th से 11th का ट्रांजिशन बड़ा खतरनाक है, प्लस में यहां पे एनडीए का प्रेशर, ठीक है, लेकिन प्रेशर लेने की नीड नहीं है, आप फॉलो करते रहो अंडर माय गाइडेंस। बहुत सारे बच्चों ने पेपर निकाला है, आप भी निकालोगे, बस एक ही तरीका है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से करी गई मेहनत, दैट्स इट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने यारों दोस्तों को भेजना ताकि उनके भी सपने पूरे हो सके, वो भी अपने माँ बाप को आपकी तरह प्राउड फील करा सके, ठीक है। चलो फिर, जय हिंद, जय